सर्वोदय नमस्कार बच्चों, आज कुछ दिनों के अंतराल से हमारी मुलाकात हुई है। बीते हुए जो त्यौहार रक्षाबंधन और जो मुस्लिमों का बकरीद, ये सारे गुजर चुके हैं और इन सारे त्यौहारों को रिलेटेड हैप्पी रक्षाबंधन एंड हैप्पी बकरीद। तो इस लॉकडाउन में इतने दिनों से आप अपने घर में बैठकर और अपना जो टाइम पास कर रहे हैं पढ़कर, यस खेल कर और बातें करके बहुत टाइम पास होता है, लेकिन इस समय की स्थिति ये है कि आप घर पर ही पढ़िए और आपका टाइम पास नहीं होता है, पढ़कर टाइम पास कीजिए। क्योंकि इस समय हमारे देश की वो भयावह स्थिति है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। दिन पर दिन संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है COVID-19 का, और अब तो स्थिति यह आ गई है कि उसके सिम्टम्स भी पता नहीं चलते। किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले आपको अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। चेहरे पर मास्क लगाइए, हाथों में सैनिटाइजर लगाइए और बाजार की कोई भी चीज खाने से बचें। जहां तक हो सके तो फास्ट फूड के प्रेमी है बच्चे खासतौर पर पसंद करते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि बाहर के सामानों को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए। हम लोग घरों में जो सामान लाते हैं बहुत ही सुरक्षा और बहुत ही नियमों के साथ लाते हैं, उन्हें अच्छे से धोकर अच्छे से साफ करके सैनिटाइज करके ऊपर से तब उसके बाद धोके। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा पाठ। विषय तो व्याकरण है आपका, मगर पाठ ऐसा है कि जो आपने जब से व्याकरण पढ़ना शुरू किया है तभी से पढ़ रहे हैं, यानी संज्ञा। और संज्ञा शब्द से आप अछूते नहीं हैं। संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने बचपन से पढ़ा होगा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक कह सकते हैं, लेकिन चूंकि आज भी हम बापू को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं इसलिए हम नहीं कहेंगे। और इसमें महात्मा गांधी जो हैं वो महान व्यक्ति का नाम, किसी भी महान व्यक्ति का नाम होता है, स्थान होता है, संज्ञा और सॉरी भाव होते हैं, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो महात्मा गांधी यहाँ पर क्या हुई? संज्ञा हुई। अब आगरे का ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, या आगरे का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। तो विश्व प्रसिद्ध है ये तो उसकी विशेषता हुई, मगर आगरा और ताजमहल दोनों की संज्ञाएं हैं। किसी भी प्रसिद्ध वस्तु या स्थान को या व्यक्ति के या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे गाय पानी पाता है, गाय जाति को संबोधित करती है, गाय अपनी प्रजाति को संबोधित करती है, इसलिए हम गाय को संज्ञा हुई, मगर कौन सी संज्ञा हुई? जाति वाचक संज्ञा। जैसे कि यह झूला बहुत सुंदर है, झूला वस्तु हुई और ये अपनी विशेषता को बता रहा है कि मैं झूला है, झूला बहुत सुंदर है, तो झूला वस्तु वाचक संज्ञा हुई। बहुत सुंदर विशेषण हुआ कि ये झूले की विशेषता है कि वह बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार हम संज्ञा को पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान या किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के तीन भेद हैं, मुख्यतः तीन भेद होते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जो बोध कराते हैं शब्द, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो होती है वह व्यक्ति, वस्तु और स्थान की संपूर्ण जाति का भेद कराती है। इसके बाद में भाववाचक संज्ञा, इसमें हम किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, दोष और उनकी दशा तथा भाव के बारे में जानते हैं। तो शुरू से ही आपने संज्ञा पढ़ी है और संज्ञा के बारे में ज्यादा बताना मैं
मेरे ख्याल से मैं तो बताऊंगी नहीं, लेकिन आप जानते हैं अच्छे से कि संज्ञा इसे शुरू से आगे रखना है और संज्ञा जो होती है अब हम जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है ये वह संज्ञा है जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान को के नाम का बोध कराती है। जैसे हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसलिए आएगा क्योंकि हिमालय हमारे यहाँ का बहुत हमारे विश्व का विश्व प्रसिद्ध पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, और हिमालय जो है वो एक पहाड़ है जिसकी चोटी सबसे ऊंची है, मगर हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा क्योंकि ये विशेष है। मैं हैदराबाद घूमने गया या मैं हैदराबाद घूमने जा रही हूँ, तो हैदराबाद एक विश्व प्रसिद्ध एक हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ पे आपने सुना होगा चार मीनार स्थित है। हैदराबाद में बहुत से ऐसे दर्शनीय स्थान हैं और हैदराबाद हमारे देश का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अभिनव अच्छा गाता है, अच्छा गाने का मतलब क्या है, सीता अच्छा नाचती है, नाचना और गाना तो विशेषता हो गई, मगर यहाँ पर सीता और अभिनव व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति स्थान वस्तु या भाव के बारे में हमें बोध कराती है। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चलता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि आज बाजार बंद है, बाजार अपनी जाति का बोध कराता है। जैसे बाजार का मतलब जहाँ पर चीजें मिलती हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़के ने चोर को भागते हुए देखा, अब यहाँ पर लड़का और जो चोर है वो अपनी अपनी जाति का परिचय देते हैं। लड़के से हम जाति का पता करते हैं लड़के, अगर नाम होता तो वह व्यक्तिवाचक, जैसे राम ने चोर को भागते हुए देखा तो राम अगर होता तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, मगर चूंकि लड़के ने चोर को भागते हुए देखा यानी कि वो हुई जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का अपनी जाति का बोध करा रहा है कि वह लड़का है, बॉय है। चोर की जाति का पता चलता है कि चोर कोई व्यक्ति नहीं है, चोर से जाति का पता चलता है इसलिए कि चोरी करने वाला चोर कहलाता है, चोर किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। इसके बाद है दादाजी कुर्सी पर आराम कर रहे हैं, तो दादाजी तो हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा, मगर कुर्सी क्या हुई, अपनी जाति का बोध करा रही है कि कुर्सी एक फर्नीचर है, तो कुर्सी हुई जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में जाना कि किसी भी वस्तु व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, जो उसकी जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष का पता चलता है, दशा का पता चलता है और भाव के बारे में हम जानते हैं। जैसे गौरी को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई क्या हुई, किसी भी स्थान की विशेषता, मगर डर लगता है, डर। अच्छा भाववाचक संज्ञा में हम एक चीज आपको बता दें कि भाववाचक संज्ञा देखने वाली नहीं होती है, जातिवाचक संज्ञा को हम किसी भी चीज को देखकर अनुमान लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं, व्यक्ति को देखकर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता सकते हैं, लेकिन भाव हमें देखते रहते हैं, इसका हमें सिर्फ एहसास होता है। भाव या इमोशंस जो होते हैं हमें उसके खुश होने से, दुखी होने से, परेशान होने से, हमें चेहरे के भाव से समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति खुश है, कौन दुखी है, कौन नाराज है। तो इस प्रकार जो भाव होते हैं हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से या भाव से ही पता चलता है, इसीलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाव का चूंकि कोई पर्टिकुलर रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, जैसे हम पढ़ते हैं शेप एंड साइज के बारे में, तो भाव
आकार नहीं होता है, भाव का कोई भी प्रकार नहीं होता है, लेकिन भाव हमें देखने से समझ में आ जाता है कि किस व्यक्ति की मन स्थिति क्या है। तो इस प्रकार जो भाव, डर लगना, खुश होना, रोना, हंसना, ये सारे के सारे भाव हैं। अब आम की मिठास अच्छी होती है या आम मीठा होता है, ये क्या है? मीठा होना आम की विशेषता है, मगर मीठे होने का जो एहसास होता है वो क्या है? भाव। तो इसलिए इन भावों को हम उसके चेहरे, किसी भी व्यक्ति के चेहरे से या किसी भी व्यक्ति के हाव भाव से हमें पता लग जाता है कि भाव क्या है। अब हम इन संज्ञाओं में पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा को, किसी भी विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदलना या व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना। तो इस प्रकार आपके पाठ में जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना। तो इस प्रकार आपके लेसन में हम जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं, अब आप ये देखिए। मनुष्य है या व्यक्ति है, तो आप ये सोचिए कि व्यक्ति या मनुष्य क्या है? कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, जातिवाचक संज्ञा हुई, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मनुष्य और व्यक्ति किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं, मानव जाति का बोध कराते हैं, तो इसलिए ये हुई जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में कैसे तब्दील करेंगे? मनुष्य है अगर तो हम मनुष्यता, मनुष्यता का परिचय देता है। अगर व्यक्ति है तो व्यक्तित्व उसकी भाववाचक संज्ञा होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा में भाव हम पता करते हैं सामने वाले की चेहरे को देखकर, उसके गुण को देखकर, उसके दोष को देखकर, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, दशा को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर। तो इस प्रकार हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके गुण, दोष और उसके एक्सप्रेशंस के बारे में, उसकी दशा को देखकर पता लगाते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो सुंदर होना उसकी विशेषता है, मगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है, तो ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं कि अगर शिशु है, शिशु भी किसी भी जाति का बोध कराता है, छोटे बच्चे की जाति का बोध कराता है कि वह छोटा बच्चा है। तो इस प्रकार शिशु का, शिशु की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी शैशव। जिस प्रकार बालक और बालिका जातिवाचक संज्ञा है, उसी प्रकार इनकी बालकपन या बचपन या बालपन इनकी भाववाचक संज्ञा होगी। भाई है तो भ्रातत्व या भाईचारा भाववाचक संज्ञा होगी। बूढ़ा है तो बुढ़ापा होगा। राष्ट्र है तो राष्ट्रीयता। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में तब्दील करते हैं उसके गुण, दोष या दशा और भाव को देखकर। इसी प्रकार विशेषण को भी हम भाववाचक संज्ञा में तब्दील कर सकते हैं। जैसे अगर सुंदर है विशेषण, तो सुंदरता होगी भाववाचक संज्ञा। अगर हरा है विशेषण, तो हरियाली या हरिमा होगी भाववाचक संज्ञा। लालची है तो लालच, अगर मूर्ख है तो मूर्खता। इस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा में तब्दील करते हैं जातिवाचक संज्ञा को और भाववाचक, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा को और विशेषण को। अब हम क्रिया को कैसे तब्दील करते हैं भाववाचक संज्ञा में, आइए देखते हैं। तो हम क्रिया, क्रिया का क्या हुआ? हंसना। किसी व्यक्ति की हंसने की क्रिया होती है, जब हंसने का काम करता है तो वह क्रिया कहलाती है। तो हंसने की क्रिया को हंसी भाववाचक संज्ञा है, हंसी। इसी प्रकार गिड़गिड़ाना, कोई व्यक्ति अगर आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, आपके सामने विनती कर रहा है, तो गिड़गिड़ाहट होगी उसकी भाववाचक संज्ञा। समझना, समझ। जलना, जलन। कमाना, कमाई। खेलना, खेल। रहना, रहत। मरना, मरण। गाना, गान। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। इस प्रकार जो क्रिया होती है विशेषण होते हैं, और जो जातिवाचक संज्ञा होती है उनको हम भाववाचक संज्ञा में कैसे तब्दील करते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको रिवाइज किया है, याद दिलाया है कि इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा को, विशेषण को, क्रिया को भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। अब इस प्रकार हम अव्यय को कैसे बदलेंगे भाववाचक संज्ञा में। जैसे अव्यय है ऊपर,
ऊपर स्थान वाचक अव्यय, तो अव्यय ऊपर है तो ऊपरी होगा भाववाचक संज्ञा, अगर नीचे है तो निचाई होगी भाववाचक संज्ञा, अगर गहरा है तो गहराई होगी भाववाचक संज्ञा, दूर है तो दूरी, एक है तो एकता, समीप है तो समीपत्व या सामीप्य या समीपता। तो इस प्रकार बच्चों आज हम संज्ञा पाठ को आपके यहीं पे संपन्न करते हैं और मेरी ये आपसे गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़िए। पढ़ा हुआ पाठ है कक्षा 6, 7 और 8 के लिए, इसे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं चाहेंगे, मगर यही है आपके पढ़ने के दिन, क्योंकि अभी आपको घर पर बैठ कर पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, इसे हम एक सुनहरा मौका भी कह सकते हैं, जिसे हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, कि अगर स्कूल आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपकी सहेलियों से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों, आप पढ़िए अवश्य, क्योंकि इस समय आप लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन से पूरे अच्छे से और एकांत में दिलो दिमाग से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं संज्ञा को, संज्ञा के लिए। अच्छा, एक दो मुख्य होते हैं संज्ञा के, मगर जो दो एक होते हैं समूहवाचक संज्ञा और वस्तुवाचक संज्ञा के बारे में जो गए हैं वो भी आपको पता होगा। समूहवाचक संज्ञा है जो किसी भी चीज़ के इकट्ठा होने पर, किसी भी चीज़ की एकता पर, किसी भी चीज़ के गुच्छे पर, वंश पर जो एकत्रित भीड़ होती है, तो यह होती है समूहवाचक संज्ञा। जब किसी हमें समूह का एहसास होता है तो एक से अधिक चीज़ों का एहसास होता है, तो होती है समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना की टुकड़ी, टुकड़ी का मतलब एक टुकड़ा एक टुकड़ी नहीं होती है, सेना की टुकड़ी यानी एक टुकड़ी में 20 सैनिक भी हो सकते हैं, 25 सैनिक भी हो सकते हैं। महासभा या सभा, सभा में बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, हमारे यहाँ का लोक सदन और राज्य सदन जो होता है उसमें बहुत से मेंबर होते हैं, तो सदन, सभा, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी, जत्था, ये सारी चीज़ें समूहवाचक संज्ञा में आती हैं। इसके बाद है वस्तुवाचक संज्ञा, तो वस्तुवाचक संज्ञा में